हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए घर में आ गया हूं और यहां घर के बाहरी साइड से ही जो है पेड़ पौधों का लगना स्टार्ट है और उसके साथ ही साथ जो है घर के अंदर और छत के ऊपर भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है। तो चलिए, जिनके घर पर हम आए हुए हैं उनसे मिलते हैं और उनके साथ ही उनके बगिया को देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिनके घर में आए हुए हैं, दीदी हमारे सामने ही खड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। अशुभानंद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में, जो आप इतना कष्ट करके इतना समय कीमती समय निकाल के हमारे घर में आए हो वीडियो बनाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर लग रहा है आपका जो बाग बगीचा, बाहर से ही जो डेकोरेशन आपने सीढ़ी में कर रखा है, बाहर से जो सीढ़ी अंदर की ओर जाती है, और साथ ही जो है ऊपर भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है। तो ऊपर भी हम छत पर चलेंगे, इंडोर डेकोरेशन भी चलेंगे देखने के लिए, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम संदीपनी सरकार है, मैं उत्तराखंड रुद्रपुर में रहती हूँ। दीदी, ये जो बागवानी है कब से कर रही हैं आप इसको? करीबन 8-10 साल से कर रही हूँ। 8-10 साल से, मतलब यहाँ पर आपने स्टार्ट किया है? हाँ, यहाँ पे पहले जो घर था उसमें भी था, अभी नया घर बनाने के बाद शुरू किया है। तो मतलब पहले हल्का फुल्का करते थे, बाद में जो आप ज़्यादा कर दिया थोड़ा सा? हाँ, ये तो है। अच्छा, क्रोटोन आपने लगा रखा है, ये जो पौधा कितना पहले लगाया होगा? ये हो गए हैं 5-6 साल तो हो गए। तो यही रहते हैं हमेशा? हाँ, यही रहता है हमेशा ये। और इसके अलावा भी बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, मनी प्लांट तो काफ़ी पुराना मुझे लग रहा है। तो ये धूप में ही रहते हैं बाहर यहाँ पर? यही रहता है ये, तो उसको हटाती नहीं हूँ क्योंकि धूप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है पत्ते वगैरह जलने का। और इधर जो है आपने और भी कई सारे पौधे लगा रखे हैं, देखिए सीढ़ियों से किस तरीके से डेकोरेशन है। ये जो क्रोटोन है पास के नर्सरी से लिया था आपने? नर्सरी से, हाँ, पल्लवी का नर्सरी से लिया। पल्लवी का नर्सरी से लिया था। और कितने साल का है ये पौधा? ये भी 5-6 साल हो गया। 5-6 साल। और इसी के साथ ये पौधा क्या आपने कटिंग से लगाया था? ये हाँ, कटिंग से लगाया था ये बेबी टीयर्स। तो कटिंग कितना बड़ा लगाया होगा आपने? ये छोटा सा इसमें से काट के ही मैंने इसमें लगा दिया था, ये हो गया। ये इधर भी लगा हुआ है। अच्छा, इधर भी लगा हुआ है, तो मतलब कहीं भी मिट्टी में लगा दें ये तो हो जाता है, पूरा कवर हो जाता है। और ये सब के सब आपके शुरू से प्लास्टिक के गमलों में ही आपने? हाँ, लगाया? प्लास्टिक के गमलों में ही मैंने लगा रखे हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है प्लास्टिक के गमलों में? नहीं नहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। एक्जोरा वगैरह भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये कौन से गमले में? इधर वाले में है। अच्छा, सदाबहार भी निकल आए हैं इस इधर जो है ना? ये ठीक ठीक ये इधर है और इधर ये पिंक कलर में एक जोड़ा। अच्छा, इसमें और भी फूल आए थे इस बार? हाँ, पहले से ही हर साल आता है, इसमें आता रहता है क्योंकि यही मेन समय है एक जोड़ा का। और पूरा जो इसमें पिंक वाला है, इधर वो वाइट वाली भी है। अच्छा, ये मिनिएचर में है, ये वाला वाइट कलर में है। थोड़ा सा जो है साइज में ये छोटा होता है, वाइट वाला मिनिएचर में है। तो ये कितने पहले लगाया था आपने? वो एक ही साथ लगा रखा था मैंने सारे। अच्छा अच्छा ये तो काफ़ी बुशी हो गया छोटे से ही। और इसके अलावा जो मेन डोर है यहीं से ही सदाबहार के पौधे हैं, ये तो मेरे ख्याल से खरीदने की जरूरत नहीं होती होगी। ये तो अपने आप मिल जाता है, होते हैं, गिरते रहते हैं इसके बीज और होते भी रहते हैं। इसके अलावा इधर भी मुझे दिखाई दे रहा है अम्ब्रेला पाम, ये लोग अम्ब्रेला ट्री इसको बोलते हैं। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन होती है इसके भी, जो पत्ते होते हैं बहुत वेरीगेटेड होते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा पौधा लग रहा है। ये अलग अलग गमले में है, ये कि ये दूसरा इसके साथ जोड़ के ऐसे रखा है ना, मतलब ये जो पौधा ये एक ही गमले में है ना इतना? हाँ, ये तो एक ही गमले का है। एक ही गमले में है। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इसको अपने कटिंग से लगाया था या नर्सरी से? ये नर्सरी से लेकर आई थी। क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इस तरह से जब लंबे होते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते इसको। तो थोड़ा सा बुशी बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए आप यहाँ से कट कर सकते हैं। जब आप इधर से कट करेंगे तो नीचे से नए नए ब्रांचेस इसमें आना शुरू हो जाएगा।
और कटिंग्स से भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर इसके कटिंग को छोटे छोटे इस तरह से 4 इंच के टुकड़े काट करके आप लगा देंगे रेत के अंदर, तो इसमें भी बहुत अच्छे फिर पौधे निकल आएंगे। अच्छा, ये जलकुंभी भी आपने इसी के अंदर लगा दिया, इसके देखें आपने फूल अभी तक? ना, अभी फूल तो नहीं आया। अभी नहीं आया क्योंकि ये पानी में अक्सर हमें मिलता है, कहीं तालाब नदी वगैरह में नीले नीले कलर के फूल आते हैं मोस्टली। तो यहाँ भी जो है ये मनी प्लांट चढ़ा रखा है, सब गमले में ही है ऐसे ही। ये ऐसे ही एक ही गमले का है, वो इसमें से सारा फैल गया है। ठीक, तो चलिए आप थोड़ा सा अंदर भी चलते हैं और अंदर की डेकोरेशन भी देखते हैं। अच्छा, अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे पहले सिंगोनियम। काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा जगह है, फिर भी चल ही रहे हैं पौधे। और कॉर्नर में क्या है लगा रखा है? बम्बू। अच्छा, जो लकी बम्बू है वो आपने कुछ डाल रखा है इसके अंदर। और यहाँ से फिर ऊपर की ओर भी चलते हैं, ऊपर किस तरीके से है। अच्छा, इस सीढ़ियों से हम ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर में फिर यहाँ पर एक एरिका पाम लगा दिया है। तो काफ़ी अच्छा होता है जब इस तरह से कॉर्नर कॉर्नर में हम एरिका पाम को रखते हैं, थोड़ा स्पेस भी मिल जाता है और देखने में भी घर काफ़ी सुंदर लगता है। ये भी काफ़ी अच्छा पौधा लग रहा है, तो यहीं शेड में ही रहता है ये भी, बहुत सुंदर। और कुछ कुछ चीज़ें खराब होती है, ये जैसे यहाँ पर मनी प्लांट थोड़ा ख़राब हो रहा है तो इसको रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत है। तो ख़ास तौर से जो सिरामिक पॉट होता है उसमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है जब हम कोई भी चीज़ लगाते हैं, तो क्योंकि अक्सर पानी उसमें जम जाता है और जिसमें पेड़ पौधे खराब होते हैं। इसके अलावा सिंगोनिया में एक यहाँ भी है, तो यहाँ धूप पड़ती होगी या तो काफ़ी ज़्यादा। ठीक, और इसके अलावा इस कॉर्नर में देखिए जो सजावट है, तो ये जो है प्लास्टिक के गमलों में शुरू से आपने लगाया मनी प्लांट? शुरू से लगा रखा है, अभी इसको तो बाद में ही लगाया 2-3 साल। और ये ऊपर ऊपर आपने बेल चढ़ाया, तो ये क्या नारियल की डोरी से पूरा ऊपर तक ये चढ़ रहा है, पूरा कवर हो गया है। तो कितने साल पहले लगाया था ये? 2-3 साल हो रहा है। 2-3 साल हो गए। तो पानी वगैरह ऊपर पत्ते वगैरह तो साफ करने में दिक्कत होती होगी? थोड़ा सा कपड़ा मारना पड़ता है, थोड़ा स्प्रे कर दे। कई बार अगर स्प्रे से कर दे तो साफ हो जाएगा ये चीज़ें भी। ये भी काफ़ी अच्छा पौधा लग रहा है, बहुत हरे भरे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये सिंगोनियम है क्या? ये रेड जो पत्ते होते हैं वही वाले हैं क्या? पांच रेड होते हैं। ये तो ऐसे ही हो गया, अभी इसमें पता नहीं ऐसे ही रहेगा या नहीं पता। इसमें दो वैरायटी मोस्टली मिलता है कि एक तो जो ग्रीन होते हैं, ग्रीन के अंदर सफ़ेद स्पॉट होते हैं, और एक जो इस तरह से रेड रेड होते हैं। तो धूप में जितना रहेगा ये उतना ज़्यादा रेड होता जाता है। ये दोनों ही पौधे ये वाले आपने खरीदे थे या एक से दूसरा तैयार? एक से दूसरा, यहीं पर निकले थे दूसरा वाला, इसी से ये आपने तैयार कर दिया। तो इसमें होल वगैरह आपने किया है नीचे? है, होल करा हुआ है। अच्छा, नीचे किया हुआ है। अच्छा, नर्सरी पॉट जो होता है उसी टाइप में ही है ये। और इधर ये तो हमें अक्सर गांव में मिल जाता है ये वाले पौधे, तो ये भी इंडोर ही चलता है? इंडोर ही लगा रखा है, इतना बढ़िया हो गया इसमें। ठीक, और आगे आगे भी देखिए किस तरीके से लगा रखा है, यहाँ भी वही सिंगोनियम। और इसको ऐसी जगह में पानी में भी लगाया जा सकता है, ये तो मिट्टी में लगाया है। तो कई लोग सोचते हैं कि मिट्टी में इस तरह रहेगा तो दीवार ख़राब होगी, नीचे से पानी भी टपक सकता है, तो बेटर है अगर सिंगोनियम लगा रहे हैं तो सिर्फ पानी के अंदर लगा दें, तो इससे जो है दीवार ख़राब होने का जो डर है वो नहीं रहेगा। तो इधर भी वही चीज़ लगा रखा है और आगे इधर भी आपने सिंगोनियम लगा रखा है। स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट में तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, ऊपर रहते हैं इस तरह से छाई में तो। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे पॉट में, ये कौन से पौधे हैं? क्रिटल वाइन है ये, मैंने ये अपने बहन के घर में देखा था, पूरा एकदम गमला भरा हुआ झाड़ जैसे, बहुत अच्छा। पूरा गोलाई में पॉट घेर लेता है, पॉट दिखाई भी नहीं देता, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लगता है ये जो पौधा है। और अब ऊपर की ओर और चलते हैं हम, यहाँ कॉर्नर में भी अधिकतर आपने सिंगोनियम ही लगा रखा है, कोई खास कारण या देखभाल कम, बहुत कम करनी पड़ती है? देखभाल की जरूरत नहीं होती है, इसी कहीं भी चल जाता है इंडोर में। ये तो काफी बड़ा भी हो गया है और काफी अच्छा लगता है। ये तो बहुत बड़ा फैला हुआ था, अभी थोड़ा कम हो रहा है।
पहले बहुत भरा हुआ, कटिंग भी बीच बीच में करनी पड़ती है, बहुत फैल भी जाता है, लेकिन देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इस कॉर्नर के स्पेस को घेर लिया है। और इधर जो है स्नेक प्लांट, स्नेक प्लांट कहीं भी इंडोर लगाए आउटडोर लगाए सब जगह चल जाते हैं। आपको पता है ये जो स्नेक प्लांट है दिन रात हमेशा ऑक्सीजन देते रहते हैं? हाँ ये पता है, तभी तो लगा रखा है। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है कि हमेशा ऑक्सीजन ही बना रहता है। और इसमें एक नहीं कई वैरायटी आपको मिल जाएगी, जैसे ये साइड से ये पीले हैं, कुछ बिल्कुल ग्रीन पैटर्न के होते हैं, कुछ वाइट में होंगे पूरे चौड़े पत्ते में, तो अलग अलग प्लांट को आप लगा सकते हैं एक लाइन से, बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर फिर और चलते हैं, हम यहाँ हम जो है फिर और एक सीढ़ी में जो है ऊपर आ गए हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हुए। यहाँ भी आपने एरिका पाम वगैरह लगा रखा है और सिंगोनियम यहाँ भी है, मतलब सिंगोनियम ज़्यादा से ज़्यादा आपने लगाया है। ये हरा भरा दिखता है रहता है ना, इसलिए यहाँ भी स्नेक प्लांट, मतलब बहुत इजी प्लांट जो है वही लगाया है। पहले एक तरह के पौधे बहुत लगाए हैं आपने, लेकिन आसानी से चलने वाले पौधे हैं। और ये क्या लगाया आपने, अभी अभी लगाया क्या? हाँ ये कटिंग करके मैंने अभी लगाया है, जेट प्लांट। अच्छा, जेट प्लांट की कटिंग अभी लगा दी है, बहुत अच्छा। और छोटे पॉट में हमेशा कटिंग को लगाना चाहिए, आपने किया भी वैसे ही है और इसमें अच्छे से चल भी जाएंगे। और यहाँ भी कॉर्नर में मनी प्लांट को चढ़ा दिया है। और ये सारे मैंने मनी प्लांट के कटिंग लगा रखे हैं। अच्छा, अभी फिलहाल ही किया है इसको। अच्छा, आजकल में किया होगा? कल किया था। कल किया है तो ये सब रेत में, रेता के अंदर ये लगा दिया है। ठीक, तो इसमें होल वगैरह आपने किया नहीं है? होल नहीं है, होल करने की ज़रूरत होगी आपको, आप इसको कर दीजिएगा, अदरवाइज जो पानी है वो जम जाता है और उसमें सड़ने की समस्या फिर पैदा हो जाएगी। होल करना बहुत ज़रूरी है, पहले इसको आप नीचे रखिए, यहाँ ना रख के, और होल कीजिए इसमें, तभी ये पौधे आपके अच्छे से बच पाएंगे। और यहाँ से जो है ये कॉर्नर पर से ये मनी प्लांट यहाँ से भी चढ़ा दिया ऊपर से, तो पूरा मतलब धीरे धीरे घेर लेगा चारों ओर से, ये जो आपने रस्सी लगा रखा है दूसरे साइड में इस तरह से, तो दो तरफ से मनी प्लांट चढ़ रहा है। स्नेक प्लांट यहाँ भी, स्नेक प्लांट इधर भी लगा, जो ऑक्सीजन को ज़्यादा मतलब देते हैं, हमारे जो घर के जो दूषित वातावरण है वो सोख लेते हैं। बहुत सुंदर जगह की चॉइस भी काफ़ी अच्छी है, हालांकि अभी सीढ़ियों में ज़्यादा नहीं भरा है, कॉर्नर कॉर्नर पर ही भरा है, भर जाएगा, लेकिन अच्छा लगा है धीरे धीरे, कुछ महीनों में भर जाएगा। और देखिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के प्लांट हमारे आसपास दिखाई देते हैं, और इस तरह के कॉर्नर का जो प्लेटफॉर्म होता है सीढ़ी का, तो यहाँ लगा ही सकते हैं। यहाँ भी एरिका पाम है, और ये कुछ चाइनीज़ ग्रीन कहते हैं इसको, ग्रीन लीफ होते हैं, और इधर से भी ऐसे ही मनी प्लांट चढ़ा रखा है जी, और इस कॉर्नर में भी, तो सब जगह देखिए एक टाइप से थोड़ा सा कर रखा है। यहाँ से जो है पूरा डोरी लिया ऊपर नारियल की रस्सी, और ऊपर से जो है पूरा इस तरह से घेरते हुए पूरा कवर करेगा, पूरा कवर करेगा, और नीचे से जो है इधर से भी चढ़ा दिया, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर प्लांट जाते हैं, तो इस तरीके से कर दिया कि यहाँ से भी ऊपर जाए और पूरा कवर कर ले। तो अभी अभी शुरुआत है, धीरे धीरे ये चीज़ भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आ गए हैं छत के पास पास लगभग, और यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ भी आपने लगा रखा है जेट प्लांट। हाँ, इसमें से कटिंग करके मैंने वहाँ नीचे लगाया। अच्छा अच्छा, कुछ इसमें और जेट प्लांट की कटिंग लगाने की ज़रूरत है, तब पूरा भरा हुआ लगेगा, जल्दी जल्दी होगा। और इधर भी जो है सिंगोनियम का है, अभी ये नया नया निकल रहा होगा, कटिंग कर किया होगा आपने? इसमें से कटिंग किया मैंने सारा। अच्छा, कटिंग करके अभी उधर लगाया है। ठीक, और ये सब मेरा ये किचन वेस्ट खाद है जो मैंने बना रखा है, इसको सुखाने के लिए रखा है। ये जो है पहले आपने बना करके बाद में इसमें रखा है? बाद में इसमें रखा, अभी परसों निकाला था इसको। बहुत अच्छा, मतलब जितने सब्जियों के छिलके वगैरह है वही वही है सारे, और फल के छिलके वगैरह सब कुछ मिक्स है उसमें। ठीक, और ये सब में मिट्टी विट्टी खाद वाद ला के रखे हुए हैं बाकी। अच्छा, ये जो मिट्टी है तो कहाँ से लाते हैं? ये गांव से लेके आती हूँ।
गाड़ी में भर के ले आते हैं, कट्टे में भर के। तो कट्टे में सब मिट्टी वगैरह है? मिट्टी है, खाद है, गोबर के खाद वगैरह भी है इसमें। ठीक 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 है, तो चलिए आप सीधा जो है ऊपर की ओर चलते हैं और खाद भी किस प्रोसेस से बन रहा है हम उसको भी देखेंगे। ऊपर जो है आ गए हैं हम, और पहले तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ बेलदार पौधे चढ़ा रखे हैं, ये सब्जियों के ही हैं क्या? हाँ, ये जो हम तो इसको बरबटी कहते हैं, ये शिमला का था, ये अभी तो सूख रहा है, बहुत इसमें शिमला आए थे, बहुत शिमला बहुत ज़्यादा, मैंने कई घरों में बांटा है। और ये जो लगा रखा है एक थर्माकोल की पेटी लग रही है। हाँ, वो मछली वाला, मछलियों की पेटी है। तो ये लगभग कितने में मिल जाता है आपको? ये 40-50 में मिल जाता है। ये जैसे लाए हुए हैं थर्माकोल की पेटी, तो ये पुराना ही मिल पाता है आपको? हाँ, पुराना ही मिल पाता है। काफ़ी ज़्यादा जगह है, बहुत स्पेस हो जाता है, 40-50 रुपए में मिल जाता है ये इस टाइप का। और पूरा हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये हमारा 2.5 फीट के लगभग होगा, और इधर भी जो है 1.5 फीट से ज़्यादा का स्पेस होगा। 1.25 फीट तो है ही, 1.25 फीट 1.5 फीट तो काफ़ी स्पेस मिल जाता है, और इसमें हम कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। और बेटर होगा कि आप जो है छत पर पहले इसके जो ये प्लेट है या ढक्कन है इसको नीचे रख लें, और इसके ऊपर से इस टाइप से अगर आप इसको रखेंगे तो नीचे से जो गर्मी है वो नहीं लगेगी, और नीचे से आपको होल नहीं करना है इसमें। इसमें आपको साइड से अगर ये इस जगह पर कुछ होल कर देंगे पेंसिल के हेल्प से या पेन के हेल्प से, तो जो ओवर वाटर है वो किनारे से खाली छत पर आ जाएगा, तो ये सूख भी जाएगा और नीचे से जो आपका छत गीला नहीं होगा। तो ये रखने का बेटर आइडिया इस तरीके से हो सकता है। और इसके अलावा यहाँ देख रहा हूँ मैं कुछ मटके वगैरह है इसमें, तो सब वो किचन वेस्ट हैं जो सड़क मतलब खाद बनाने के लिए डाल रखा है मैंने। तो सबसे पहले जो ताज़ा किचन वेस्ट होता है वो आप इसमें रखते हैं? कल का ही है ये। अच्छा, वो इसमें रखते हैं? हाँ, इसमें रखती हूँ थोड़ा इसमें। उसके बाद आप घड़े में कब डालते हैं इसको? घड़े में थोड़ा वो ये भर जाता है तो इसको घड़े में डाल देती हूँ। तो पहला स्टेप क्या होता है, इसके अंदर डालते हैं? इसके अंदर डालते हैं, फिर इसमें डाल देती हूँ, ये थोड़ा इसमें मिट्टी भी डाल देती हूँ हल्का हल्का। अच्छा, ये मिट्टी और पानी भी डालते हैं? पानी भी डाल देते हैं, तो ये धीरे धीरे खाद तैयार हो जाएगा। इसमें भी वही है, इसमें जो है उसके बाद भी क्या निकालते हैं या ऐसे ही रहने देते? ऐसे ही रहने देते हैं। जब ये सूख जाएगा पानी लग रहा है मुझे। हाँ, इसमें ज्यादा पानी पड़ गया थोड़ा। अच्छा, ये इसमें भी आप ऐसे ही डालते हैं? और जब सूख जाएगा ना तो ये खाद बन जाएगा मतलब। और इससे ढक के रख रहे हैं? ये सरसों के खली है ना, वो उसको मैंने भिगो रखा है, बीच बीच में पौधे में डालती हूँ। अच्छा, ये एक दो मिट्टी इसके अंदर भिगो रखा है। और इसमें तो क्या इसमें है? इसमें मिट्टी है ऐसे भरा हुआ। अच्छा, ले आई मिट्टी वगैरह भी है? ये भी मिट्टी है या खाद वगैरह है? मिट्टी है। अच्छा ठीक। और यहाँ पर इस गमले में ये क्या लगा रखा है? गिलोय है। अच्छा, गिलोय लगा है। ये देखो चढ़ गया कहाँ तक, काफी मोटा हो रहा है, तो यूज करते हैं इसका? हाँ, कभी कभी काट लेती हूँ थोड़ा बहुत। ये हो भी रहा है मुझे लग रहा है, पुराने वाले हैं ये मिर्च। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं इस साइड को। इस साइड को काफ़ी भरा हुआ लग रहा है ये पौधा छत के ऊपर। ये अंगूर का है, इसमें अंगूर लगे थे इस बार। अच्छा, ये गमले में लगा हुआ है, इसमें अंगूर 3-4 गुच्छे लगे थे। अच्छा अच्छा, अभी नए पत्ते आ रहे हैं इस समय तो। और ये गमला जो है मुझे लग रहा है 16 इंच का गमला है, तो इसमें लगा रखा है आपने? वो तो बाल्टी में भर रखा है मैंने। अच्छा, ये बाल्टी में भी है? पेंट वाला, पेंट की बाल्टी। और इसमें ही पूरी अंगूर की बेल है, देखिए पूरा घेर लिया है। और ये जो है तार से आपने बना दिया? तार से बना दिया, जाल बना साइड दिया। से साइड भी कवर हो रहा है, देखने में भी साइड से हरा भरा लगता है, और इस तरह से अंगूर भी इसमें आते हैं। और इधर सब वो सेम की है, सेम लगा रखा है। तो अभी थोड़े टाइम बाद जो है इसमें आना भी शुरू हो जाएगा, और कुछ इसमें कीड़े मकोड़ों का अटैक ये दिखाई दे रहा है होने लगा है, तो अभी स्प्रे करने की जरूरत है। इमीडा क्लोप्रिट जो दवाई होती है उसका आप स्प्रे तुरंत से इसमें कीजिए, और हो सके तो अभी जो है हर दूसरे या तीसरे दिन में इसमें स्प्रे कीजिए कुछ दिन तक, क्योंकि कीड़े काफ़ी लगना स्टार्ट हो गया इस समय। तो ये इसी पेटी में ही आपने लगाया है? कितने पहले लगाया था इसको सेम को?
ये तो अभी लगाए हैं सीजन में, एक दो महीने पहले। अमरूद का ऐसे ही एक पौधा हो गया तो मैंने लगा के रखा, उसको उखाड़ा नहीं, फेंका। अच्छा, नहीं। मतलब अपने आप आ गए थे? अपने आप आ गए थे, तो इसी में रहने दिया। फिर भी ये जब हो ही गया तो इसमें इस तरह से थोड़ा पिंचिंग आप करते रहिए, पिंचिंग करेंगे तो साइड ब्रांचेस काफ़ी आ जाएंगे तो अमरूद भी आएंगे। थोड़ा सा बीज वाले में लेट होता है लेकिन आ जाएंगे। कोशिश कीजिए कि ऊपर जब भी लगाए तो आप नर्सरी से जो पौधा है वो ला करके लगाए। ये स्टीविया का पौधा है, इसको देखिए। अच्छा, ये स्टीविया है, इसमें फूल आते हैं क्या? फूल आते हैं, ये पत्तियाँ तोड़ तोड़ के हम इसी को तो सुखा के फिर चाय में डाल के पीते हैं। अच्छा, इसको चाय में ही डाल करके पिया जाता है? स्टीविया जो शुगर पेशेंट है उनके लिए होता है, जो चीनी नहीं खाते हैं। ठीक ठीक, मतलब शुगर का। पंतनगर से पौधा लेके आई थी, इसका प्लांट पंतनगर से लेके आई थी मैं। इसका जो टेस्ट है वो क्या मीठापन रहता है, इसको मतलब चबा के देखिए। बिल्कुल मीठा ही लगेगा आपको। इसको थोड़ा सा चबा करके भी मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत मीठा भी है, बहुत स्वादिष्ट है, काफ़ी अच्छा प्लांट है स्टीविया। तो ये यही नर्सरी में मिल गया? सुंदर। नहीं, ये पंतनगर से लेके आई थी, किसान मेले से। अच्छा, किसान मेले से। और बाकी ये तुलसी, ये तो कृष्ण तुलसी, राधा तुलसी जो आप कहते हैं, रामा श्यामा तुलसी भी कहते हैं, तो वो है। ये कि ये मैंने करेला का लगा रखा था, इसमें करेले आए हैं काफ़ी। अच्छा, कल ही तोड़ा है, तीन चार। ये छोटा छोटा भी दिखाई दे रहा है, अब बस आने वाले हैं क्योंकि इसमें फूल वगैरह ये मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ है। थोड़ी सी बारिश होती तो बिल्कुल हरापन आ जाता, लेकिन ये सूख गया है, देखो। बारिश जो है यहाँ है ही नहीं हमारे एरिया में एकदम। ये भी सब्जी की ही बेल है? अपने आप ही हो गया सब, अपने आप ही हो रहे हैं, मतलब पहले लगाया होगा वही बीज इसमें रहेगा। और इधर ये मिर्च वगैरह पुराने होंगे मेरे ख्याल से, काफी ये मिर्च तोड़े हैं, अभी भी है एक दो कुछ लगे। अभी भी एक आध दिखाई दे रहे हैं कि है कहीं कहीं। पौधा काफ़ी पुराना हो गया, अब थोड़ा सा नए पौधे इसमें लगाने की ज़रूरत है क्योंकि ये सब पौधे ख़राब हो चुके हैं। इधर भी तुलसी वगैरह लगा रखा है आपने, और ये भी वही बरबट्टी है, इसको रेलिंग के साथ कर दिया आपने। ठीक, ये है देखिए स्ट्रॉबेरी। ये तो मेरे ख्याल से पिछले साल का ही लगा हुआ होगा इसमें। हाँ, पिछले साल का ही है, स्ट्रॉबेरी लगे थे जाड़ों के सीजन में। एक बार इसको आप निकाल करके फिर से रिपोर्ट कर दीजिएगा, नया जो कंपोस्ट वगैरह डाल करके, तो इस साल काफ़ी अच्छी जो है इसमें फिर इससे स्ट्रॉबेरी आएंगे, क्योंकि हमें निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसी को ऐसे रहने देंगे तो फ्रूटिंग तो होगी लेकिन छोटी होगी और कम होगी, लेकिन एक बार निकाल करके हम अगर हर साल लगाए दोबारा से तो ज़्यादा अच्छे से ये फ्रूटिंग करेगा। साथ में ये मैं देख रहा हूँ, ये गोल गोल पत्ते हैं, थानकुनी कहते हैं। ठीक, तो इसका यूज़ करते हैं? ये भी काफ़ी अच्छा मेडिसिनल प्लांट है, रोज़ खाते हैं इसको, दो पत्ते जो पानी के साथ सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है बताते हैं। सुबह सुबह एक गिलास पानी के साथ इसको दो पत्ती लेके चबा के, मतलब पेट वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, ये स्वास्थ्य ठीक रहता है इससे बताते हैं। ये भी शिमला मिर्च था क्या? शिमला मिर्च था वो, सूख गया, इसे उखाड़ना है अभी, इसको तो पूरा दोबारा रीप्लांटिंग करनी है, दोबारा से अब करना पड़ेगा। काफ़ी सारे प्लांट छोटे छोटे मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तुलसी है, मरुआ तुलसी कहते हैं, मुझे लग रहा है कि वही होगा। और इधर भी तुलसी है, तुलसी मेरे पास से अपने आप काफ़ी सारे हो गए होंगे, अपने आप ही हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे तुलसी आपके पास है। और अंदर ये कोई नींबू का प्लांट लगा रखा है क्या इसी के अंदर? लगाया नहीं, अपने आप ही हो गया। अच्छा, अपने आप हो रहा है इसके अंदर। ठीक, तो लोगों से थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे जो इस दिशा की ओर अग्रसर हो रही है? देखिए, ये जो गार्डनिंग है मेरा बहुत दिनों से शौक है, और मैं ये सोचती हूँ कि हर इंसान को जो है पौधा लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा वातावरण पर्यावरण शुद्ध हो, हमें शुद्ध ताज़ा हवा मिले, और देखने में भी आँखों को अच्छा लगता है, हरियाली देखने में तो सभी को अच्छा लगता है। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि सब लोग जो हैं अपने घर में जितने भी प्लेस है उसमें थोड़ा बहुत पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें। दीदी, आपने अपना इतना अच्छा गार्डन दिखाया और थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं गार्डनिंग की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी।